ये दास्तां है उन कलाकारों की जिन्हें स्टारडम मिला पर फिर भी सन्यास की तरफ इनके कदम बढ़े। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सिर्फ विनोद खन्ना ही नहीं बल्कि ऐसे और भी बड़े अनोखे कलाकार हैं जिन्होंने सन्यास की तरफ कदम बढ़ाए। जाने माने फिल्म मेकर महेश भट्ट पहुंच गए थे ओशो के द्वार। लग रहा था कि सब कुछ छोड़ देंगे, फिर पहुंचे ये यूजी कृष्णमूर्ति के द्वार। थोड़ा थोड़ा दुनिया से हटे, थोड़ा थोड़ा दुनिया में मिले। तुम्हारे माता पिता हैं और मेरे नहीं हैं, उनके राजी होने या ना होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, लेकिन उन्हें तो इस बात से इनकार नहीं है ना। बिल्कुल इनकार है, जाने दो मुझे, रास्ता छोड़ दो। पारो, अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन का नाम तो आपने सुना ही होगा। 25 बरस इन्होंने फिल्मों में काम किया और उसके बाद अचानक ये फिल्मों से दूर हो गईं, पब्लिक लाइफ से ये गायब हो गईं। सबने जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुचित्रा सेन इतना ग्लैमर छोड़कर गायब हो गईं। जी ये चली गई थीं राम कृष्ण मिशन के द्वार और उसी पीस के जरिए इन्होंने आत्मिक संतुष्टि तलाशी। एक बड़ी ही ग्लैमरस अभिनेत्री आई थी फिल्मों में, नाम था जिसका बरखा मदान। ये 1994 के मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की फाइनलिस्ट थीं, जिसमें इनके साथ थीं ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, श्वेता मेनन। और इनकी जबरदस्त फिगर और इनकी खूबसूरती को देखकर सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं, बॉलीवुड ने भी इन्हें अपनी गोदी में बिठा लिया। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में नजर आई थीं अक्षय कुमार और रेखा जी के साथ, फिर ये नजर आए राम गोपाल वर्मा की फिल्म भूत में भी। और उसके बाद बुद्धिज्म को इन्होंने अपना लिया और एक साध्वी की तरह ये रहने लगी। साल था सन 2012 और बरखा मदान से अपना नाम बदल कर इन्होंने रख लिया वेन गेल्टिल सामथिन। फिल्म आशिकी की अनु अग्रवाल को कौन भूल सकता है, वही ग्लैमरस मॉडल, वही डस्की ब्यूटी जिसके लिए लाखों नौजवानों के दिल धड़कते थे। फिल्मों से जरा दूर जरूर हुई ये, लेकिन आत्मिक संतुष्टि के लिए पहुंच गई ये हिमालय पर्वत की गोद में, जहां पर इन्होंने एक योगा आश्रम में शरण ली और वहां रहकर ही जीवन का मतलब समझने की कोशिश की। और विनोद खन्ना साहब तो ओशो के द्वार गए थे सुपरस्टारडम छोड़कर, परिवार को छोड़कर, हालांकि लौट कर भी आ गए थे। पर न जाने ऐसा क्या है इस फिल्म इंडस्ट्री में कि बड़े से बड़ा कलाकार सब कुछ पाने के बाद भी अपने मन के खालीपन के नीचे दब जाता है और फिर संन्यास की तरफ उसके कदम बढ़ते हैं। To know more interesting stories of Bollywood, subscribe Page 3 Reporter.